हेलो नितीश, आज आपका एसएससी का एग्जाम था, अब आपका नेक्स्ट एग्जाम मैथमेटिक्स का है 11th ऑफ मार्च को। तो बात करते हैं कैसे अपनी 3.5 डेज के अंदर अपनी पूरी तैयारी करें। इसके लिए मैंने दो स्टडी प्लान बनाए हैं। प्लान नंबर वन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, एंड प्लान नंबर टू वो स्टूडेंट जो मैथ्स को इजिली अच्छे से ग्रैप कर पाते हैं। सो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने जो चैप्टर नंबर लिखे ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखे है। ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करना, न्यू एनसीईआरटी में कई सारे टॉपिक्स कई सारे क्वेश्चंस मिसिंग है। अब सर हमने तो पूरे साल न्यू से पढ़ी, कोई बात नहीं बेटा, दो चार एक्सरसाइज की बात है, दो चार एक्सरसाइज का प्रिंट आउट निकलवा लेना और उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है। तो एनीवेज प्लान वन में आज आप क्या करेंगे, 7th ऑफ मार्च को चैप्टर 14 15 1 एंड 2 बेसिकली आपने क्या करना है, इजी टू टफ पे जाना है बेटा, इजी से होते हुए टफ चैप्टर्स पे। मैंने चैप्टर के नाम भी मेंशन कर दिए ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना आए कि कौन सा चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। कल आपने करना चैप्टर 7, 9, 10, 12 और 8। 8 का ध्यान रखना, 8.1 एंड 8.2 ओनली। 9th ऑफ मार्च को चैप्टर 6 में आपने सिर्फ 6.1, 6.2 करनी है एंड लास्ट डे पे रिमेनिंग एक्सरसाइजेस करनी है और सैंपल क्वेश्चन पेपर करना है। प्लान टू सिंपल सिंपल प्लान है, आप चैप्टर 14 आप स्टार्ट करें, चैप्टर 8 टफ पे जाए, एक हार्ड दो मीडियम और एक ईजी, ये स्ट्रैटेजी आपकी चलेगी। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग प्लान मॉडिफाई कर सकते हो। सो अगर आपका मान लीजिए ये प्लान स्टडी प्लान से आगे चल रहे हैं तो नेक्स्ट वाला पॉइंट पिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 4 चैप्टर्स की जगह 5 कर लिए, तो आगे चलते रहिए, रोकिएगा मत अपने आपको। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड जल्दी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। बाय।